नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 11 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो इसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रॉबिटी एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने जो बाय सेल लेवल कम सिग्नल बाय लेवल एंड सेल लेवल कम स्किनर एंड बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को बाय लेवल सेल लेवल ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स इन साइड द बार NR4 NR7 कैंडल स्टिक फॉर्मेशन 100 डे EMF स्ट्रैटेजी देता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स है वो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें जो मैंने फाइल शेयर करता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ और पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। उसका लिंक भी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये फाइल सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वो मेरा यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट इफेक्टिव तो आप लोग को समझ में आएगा इसका इफेक्ट इस कितना इफेक्टिव है और इधर ये कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। सॉरी, तो देखिए मैंने निफ्टी का देखिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। ये तो बुलिश जब रिवर्सल दिया था उसके बाद ये लगातार दो दिन से नीचे आया है। इधर 12,160 के जाने के बाद ये अगला दिन 12,073 लो हुआ था, उसके बाद फिर आज 11,990 तक लो आया था। तो इसमें 11,950 में इसका सपोर्ट मिलेगा। 950 ब्रेक होने के बाद ये 11,890 तक आ सकता है, उसके बाद 11,825 तक आ सकता है। और जो चार्ट का जो सेटअप है वो भी थोड़ा सा नीचे इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। और निफ्टी बैंक का इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी थोड़ा सा ट्रायंगुलर जो पैटर्न है इधर बना था, ये भी ये ब्रेक हुआ है नीचे नीचे साइड पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। और इधर से आप लोग एक देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक फ्लैग पैटर्न भी बना है। तो इधर ऊपर ब्रेक होने से ये हाई, इसका हाई जो ब्रेक होगा तो ऊपर ब्रेक होने से भी ये ऊपर जा सकता है। और निफ्टी 50 का देखते हैं, सॉरी निफ्टी बैंक का देखते हैं, निफ्टी बैंक का भी सेम पैटर्न बना है। इधर ट्रायंगुलर पैटर्न नीचे साइड में तो ब्रेक हुआ है, लेकिन इधर एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा कैंडल फ्लैग पैटर्न बना है, दो ये नीचे आया है और भी एक नीचे आएगा तो इसका ब्लैक बटन कंप्लीट होगा। तो इस तरह ऊपर जब ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है। तो इधर देखना पड़ेगा, इधर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है इधर जितने जो चार्ट में सेटअप है। और इधर 30,767 में इसका 765 पकड़िए तो इधर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये 30,535 में सपोर्ट मिलेगा, 312 में सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद 30,080 में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने के जाएगा ऐसा ही लगता है। अच्छा, और निफ्टी का जो मैंने ऑप्शन चेन देखूंगा तो इधर PCR रेशियो 1 के नीचे है, 0.86 है। और इधर 12,100 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर IBB गिर गया है, IBB काफ़ी कम है। और इधर पुट साइड में इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,900 है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। और इधर IBB कम है लेकिन इधर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इधर निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाएगा लगता है, लेकिन साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि IV दोनों साइड में ही कम ही है।
और बैंक निफ्टी को देखता हूँ, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो ऊपर है, एक के ऊपर है, और इधर 31,500 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, तो इधर रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में, जो इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है वो उधर रेजिस्टेंस बनता है। आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, नया बिजनेस के लिए कुछ बोलता हूँ तो इसीलिए बोलता हूँ। और 30,500 पुट साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, जो स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसमें 30,500 में इधर सपोर्ट बना है, तो इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, तो का ये बैंक निफ्टी का पुट साइड में वो शॉर्टिंग हो रहा है, तो इधर ये ऊपर लेने के जाने के लिए कोशिश करेगा। इधर प्राइस भी गिरा है और अभी थोड़ा सा अपर साइड में है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मोटा मोटी ज़्यादा है। तो इधर और पीसीआर रेशियो भी एक ऊपर है, तो और प्राइस डिक्रीज हुआ है, लेकिन लेकिन प्राइस डिक्रीज हुआ है लेकिन तभी आई भी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो इसीलिए। और इधर शॉर्टिंग भी हो रहा है, तो वुड साइड में भी शॉर्टिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा साइड मूवमेंट एंड अप मूवमेंट दिखाई देने के लिए मिलेगा ऐसा लगता है। मतलब स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि जब भी कुछ नीचे से बाई करना, ऐसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और जब निफ्टी का सेल ऑन द राइज बेसिस, मतलब ऊपर जाएगा तो उधर से सेल करना, ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और तब भी आप लोग चार्ट और चार्ट के ऊपर तो ध्यान रखना चाहिए, उसी के साथ आप लोग को लेवल जो है वो भी देखना चाहिए कौन सा लेवल पे है। और इधर 3 दिन का हिसाब से मैंने एक प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ, 3 दिन का सबसे प्रोबेबिलिटी निफ्टी में भी अप में दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी अप में दिखाई दे रहा है। एक्सपायरी तक ये 12,100 के ऊपर अप साइड में रहेगा ऐसा लगता है। रात में जो लेवल दिखाता हूँ, रात में जो मतलब आप लोग को लेवल दिखा दूंगा, मतलब बाई लेवल सेल लेवल तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल पिवट पॉइंट ये सब वगैरह आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का मिल जाएगा, तो आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। आप लोग इधर अभी फिलहाल 1 डे का हिसाब से फिबोनाची लेवल भी देख सकते हैं, ये आप लोग इधर नोट कर सकता है, ये है फिबोनाची का 1 डे का हिसाब से आप लोग देख सकता है, ये नोट कर सकता है। तो ये लास्ट, ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का है और ये इंडेक्स का है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इधर इधर से भी आप लोग इसका ट्रेडिंग ट्रैकिंग मिल सकता है, और इसका आप लोग 2 डेज का भी नोट कर सकता है, क्योंकि जब कौन सा साइड में होगा तो वो आप लोग को दिखाई देगा। तो जब 3 डेज लॉन्ग ट्रेंड में जब फिबोनाची लेवल मैच हो जाता है तो कोई भी स्क्रिप्ट में बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिल जाता है। 5 डेज का हिसाब से और 7 डेज का हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं, इधर 30 डेज का हिसाब से भी 30 डेज का, ये 30 डेज और ये 15 डेज का हिसाब से है। और इधर आप लोग इधर देख सकते हैं कौन सा, ना इधर तो कुछ सिनेरियो होना नहीं है, इधर मतलब सिनेरियो होना नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ भी आप लोग नोट कर सकते हैं, पिवट पॉइंट वगैरह, तो ये भी आप लोग को काम पे आएगा। ओके दोस्तों, तो अब तक के लिए मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी बाई बाई लेवल सेल लेवल भी दिखा दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।